good morning viewer friends and all children's uh, all of you are welcome from garvit coaching class today our topic is refraction second topic refraction through glass Slave. third law of refraction fourth refractive index and fifth ray diagram of lenses and last lens formula and power of lens and at last uh, we will discuss about numerical questions all the topics are important and for the uh, class 10th board exam students now first topic is refraction now see the definition of refraction the change of direction of light passing from one transparent medium to another is called refraction phenomena what is the cause of refraction uh, cause of refraction is based on the speed of light because the speed of light changes when it enters one medium to another वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है देन स्पीड ऑफ़ लाइट विल चेंजेज डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम नेचर मीडियम में भी रेयर मीडियम मीडियम में भी मे वी डेंसन मीडियम यू नो द स्पीड ऑफ लाइट वॉट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू इन वैक्यूम और एयर इज थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू देखिए आगे रिफ्रैक्शन जो होता है अपवर्तन होता है हिंदी मीडियम के जो बच्चे हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को वो देख सकते हैं कि अपवर्तन है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन कब होता है वैन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड इंटर्स एन अदर मीडियम एट द इंटरफेस ऑफ द सेपरेटिंग टू मीडिया एम वन एम टू या, यार यू कैन सी दैट एम वन फर्स्ट मीडिया एम टू इज सेकेंड मीडिया यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थी थी वन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लासी मीडिया और अदर वाटर मीडिया देन यू कैन सी दिस इज़ द इंसीडेंट रे और दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड पार्थ ऑफ द इंसीडेंट रे इज डोटेड लाइन यू कैन सी बट इट डायरेक्शन इज चेंज जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करती है देन डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे इज चेंज बट वेन अ रे ऑफ लाइट पासिस इन द सेम मीडियम देन डायरेक्शन ऑफ रे इज कैन नाट वी चेंज ड इज नॉट चेंज्ड यू कैन सी नेट्स नेक्स्ट स्लाइड अगली स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट है एक प्रकार का मीडियम बना हुआ अगर वो इस मीडियम के अंदर ही प्रवेश करती है सेम मीडियम में प्रवेश करती है तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी बट इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स पाथ डज नॉट रिमेन स्ट्रेट लाइन इट विल बी चेंज्ड नाउ व्हाट इज द मीडियम मीडियम क्या होता है रिफर्स टू एनी सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास मीडियम वो होता है जिसमें से कोई भी लाइट उसमें से पास हो सकती है टाइप्स ऑफ मीडियम दो टाइप्स के मीडियम है रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम आर कंपेरेटिव स्टडी है एयर जो होती है रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम में भी वाटर ग्लास रेयर मीडियम कम डेंस होता है और डेंसर मीडियम अधिक डेंस होता है क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी आप यहाँ देख सकते हो कि एयर को कॉमनली हम रेयर मीडियम लिया जाता है और वाटर और ग्लास में तुलना में देखा जाए तो वाटर को रेयर लिया जा सकता है ग्लास को डेंसर लिया जा सकता है तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर मीडियम है रेयर मीडियम विच हैज लेस डेंसिटी एंड डेंसर मीडियम बिच हैज हायर डेंसिटी रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है अधिक होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाती है कम हो जाती है जैसा कि आप आगे इस स्लाइड में आप देख पा रहे हो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंसेस है यू कैन सी नाउ लेटस्ट डू सम टर्म फर्स्ट है इंसीडेंट रे द रे डैट स्ट्राइक द सर्फेस डेट इज द इंसीडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसीडेंस पॉइंट वेअर इंसीडेंट रे स्ट्राइक द सर्फेस एंड थर्ड रिफ्रैक्टेड रे द रे डैट चेंजेज इट्स पाथ वैन इट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम यू कैन सी द डाइग्राम ईजिली इंसीडेंट रे आपको दिखाई गई है नॉर्मल दिखाया गया इसमें ठीक है आप देखिए कि इंसीडेंट रे वाटर टू एयर दिखाया गया यहाँ पे वोटर टू एयर दिखाया गया है मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम में इंटर कर रही और रिफ्रैक्टर डे आपको दिखाई गई यहाँ पे एयर में दिखाई गई है एरो का निशान बना हुआ जहाँ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और आई है एंगल ऑफ़ इंसिडेंस ठीक है अब आगे देखिए रिफ्रैक्शन वैन लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है जाती है तो क्या होता है रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी रिफ्रैक्टर रे हो जाएगी आ, बेंड हो जाएगी टू वार्ड द नॉर्मल नॉर्मल की ओर झुक जाएगी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे रिड्यूस हो रही है इसलिए रिफ्रैक्टर रे जब रे एयर टू वॉटर इंटर करेगी तो वो उसमें अवलम की ओर या नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी रिफ्रैक्शन वैन लाइट पासिस फ्राम डेंसर टू रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्राम रिफ्रैक्टर रे होगी अवे फ्राम द नॉर्मल मूव करेगी देखिए आप चित्र में इसको देख सकते हो कि इंसिडेंट रे आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और दूसरा रिफ्लेक्शन एंगल आर आर इज ग्रेटर देन आई हो जाएगा यहाँ पे। रिफ्लेक्शन में हमेशा आई और आर इक्वल नहीं होते हैं आई और आर हमेशा अलग होते हैं आर मे वी लेस देन आई और मे वी ग्रेटर देन आई अब इसे आप चित्र में डायग्राम में देख सकते हो डायग्राम में किस तरीके से इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल यहाँ पे दिखाए गए हैं वाटर टू एयर जा रही है नाउ सी एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का कहाँ कहाँ यहाँ पे यूज होता है एग्जाम फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल एपियर हायर ड्यू टू रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के कारण जो स्विमिंग पूल का बॉटम है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है सेकंड एग्जाम्पल है सेम है अ पेंसिल पार्सल इमर्ज इन वाटर एपियर टू बी बेंट एट द सर्फेस ऑफ वाटर एंड एयर थोड़ी सी पेंसिल जो पानी में रखी हुई वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है तीसरा एग्जाम्पल लेमन प्लेस्ड इन ग्लास ट्यूबलर एपियर विगर लेमन जो होता है ग्लास ट्यूम्बलर में पड़ा हुआ वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ये भी रिफ्लैक्शन के कारण है लास्ट अ लेटर ऑफ ए बुक एपियर टू बी रेज्ड वेन सीन थ्रू अ ग्लास लेग इसको आप घर पर भी देख सकते हो ग्लास लेग रखो और लेटर ऑफ कहीं किताब के ऊपर कॉपी के ऊपर तो वो आप देख सकते हो कि उसके लेटर्स थोड़े बड़े दिखाई देंगे ये भी रिफ्लैक्शन के कारण ही है क्योंकि रिफ्लैक्शन के कारण स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और हमें जो इमेज है वो आ, उसकी अकॉर्डिंग थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है इसको आप देख सकते हो आगे हम देखेंगे टॉपिक में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लेव रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लेव एक ग्लास लेव बनी हुई है डायग्राम में और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है एयर टू ग्लासी मीडिया ठीक है इसमें लेटर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन Perpendicular distance between the line of incidence and line of emergence that is the lateral displacement. कहने का के मतलब है जो लाइन ऑफ इंसिडेंस अपने पास आ रही है ये आगे डोटर लाइन में आगे बढ़ रही है और ये इस ग्लास लेब से बाहर निकल दी है और लास्ट जो यहाँ पे दो तरह का रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट सरफेस है एस आर से रिफ्रैक्शन होगा फिर पी क्यू से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा दो तरह से रिफ्रैक्शन होगा जैसे कि लाइट रे ऑफ लाइट आ रही सारा सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पर थोड़ी सी मुड़ रही है क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है इसलिए ये नॉर्मल की ओर बैंड हो रही है फिर नॉर्मल क्यूर बैंड होने के बाद अपन सेकंड जो उसका भाग है पी क्यू सरफेस है पी क्यू सर्फेस पर स्ट्राइक करती है यहाँ पे भी अपन ग्रीन लाइन जो है वो नॉर्मल है और इस पी क्यू सर्फेस से स्ट्राइक करने के बाद फिर वो बाहर की ओर निकलती है अब ये डेंसर टू एयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम दूर हट जाएगी जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो ये जो इस लाइन को क्या कहा जाता है जो पी क्यू सर्फेस से बाहर निकल रही है इसको इमरजेंट रे कहा जाता है बाहर क्यू निकल रही इस इमरजेंट रे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इंसिडेंट रे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेव ग्लास लेब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है 1.5 1.55 है या 6 है या सेवन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा दूसरा डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास लेव थिकनेस का मतलब है यहाँ पर इसकी जो मोटाई कितनी है उस मोटाई के ऊपर डिफ्रेंस आ, उसके ऊपर डिपेंड है यहाँ यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर क्यू की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना इज वेरी सिंपल और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लेब हम यहाँ पे देख चुके हैं आ, किस तरीके से ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लेब होता है और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको एक ही बात ध्यान देनी है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर नहीं होते कभी भी बराबर नहीं होते जबकि रिफ्लेक्शन में हमने देखा था आई और आर बराबर होते हैं पर यहाँ पे आई आर के बराबर नहीं है आर का मान आई से छोटा है या बड़ा हो सकता है ठीक है अब नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन है इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस और लाई ऑन द सेम प्लान कहने का मतलब है कि इंसीडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे होते हैं या एक ही समतल में होते हैं या एक ही प्लेन में होते हैं कहाँ पे होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेकेंड लॉ इज कॉल्ड स्नेल लॉ एंड स्टेटमेंट इज हियर यू कैन सी द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन अर ऑफ मीडियम यू कैन सी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट आई यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है जो इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है अब इसको डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक एक पॉइंट ऑफ सरफेस हमने खींचा हुआ लाइन ऑफ सरफेस खींची हुई है और एक मीडियम वन और मीडियम टू को वो सेपरेट कर रही है ये हमारे पास नॉर्मल है नॉर्मल एन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है अब देखिए कि इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास में एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस इस पॉइंट पे जहाँ नॉर्मल में टच करी और ये अनदर मीडियम में प्रवेश कर रही है अनदर मीडियम में, में इंटर कर रही है आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड स्मॉल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारे पास में सिंपल डायग्राम हो गया रिफ्रैक्शन के लिए तो साइन आई वटा साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू अब हम आगे देखिए एन वन टू इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू एंड सेकेंड है एन टू वन इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एन वन टू लिखा हुआ है पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के सापेक्ष और एन टू वन का है दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के सापेक्ष जिसमें टू वन है तो टू ऊपर आएगा और वन नीचे आएगा ये चीज़ आप इसको देख सकते हो आगे देखिए एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी वे सी इक्वल टू थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकंड एंड वी अदर मीडियम में वेलोसिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हाइएस्ट होता है दैट्स वैल्यू इक्वल टू टू पॉइंट फोर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की वैल्यू होती है टू पॉइंट फोर टू जो ग्लास मीडियम होता है उसकी अप्रॉक्सीमेट वन पॉइंट फाइव समथिंग होती है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये आपके काम आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डेफिनीशन पढ़ ली एफसोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया आगे देखते हैं हम इसमें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम ये टॉपिक पहले आ चुका है आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड सेकंड आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर और रेयर मीडियम में डिफरेंसेस आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है जिसको आप आसानी से देख सकते हो चित्र में देखिए रेयर और डेंसर मीडियम रेयर मीडियम मीडियम वन और डेंसर मीडियम मीडियम नंबर टू यहाँ पे दिखाया गया अब देखिए रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करिए सरफेस एट द सरफेस ऑफ इंटरफेस ऑफ टू मीडिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है अब यहाँ देखिए अगर पहला रेयर मीडियम है दूसरा डेंसर मीडियम है तो जो रिफ्रैक्टेड है वो नॉर्मल की ओर मूव करेगी उसकी ओर बैंड हो जाएगी अब सेकंड डायग्राम देखिए यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम अब हमने नॉर्मल नॉर्मल ड्रॉ किया है एन uh, से रिप्रेजेंट किया है इसको अब देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है रेयर मीडियम में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है इसलिए ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम होगी रे की जो डायरेक्शन डायरेक्शन तो चेंज हो गई है पर यह डायरेक्शन होगी अवे फ्राम नॉर्मल और रेयर टू डेंसर में टुआर्ड्स द नॉर्मल बैंडिंग होगी नाउ इस्फेरिकल लेंस इस्फेरिकल लेंस आर टू टाइप्स कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है थिन फ्राम कॉर्नर यू कैन सी द डाइग्राम कॉर्नर से थिन है और थिक एट देंटर सेंटर से थिक है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना सारी रे को जितनी भी पहले रे आ रही है उन सारी रे को एक पॉइंट पर यह फोकस करते हैं कॉन्केव लेंस ये थिक फ्रॉम द कॉर्नर होते हैं कॉर्नर से थिक होते हैं और थिन एट द सेंटर सेंटर में थोड़े पतले होते हैं और किनारों से ये थोड़े मोटे दिख रहे हैं थिक दिख रहे हैं सेंटर पर थिन है और ये जो कॉन्केव लेंस है कॉल्ड डाइवर्जिंग ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करते हैं फैलाते हैं कॉन्वेक्स जो होते हैं सेंटर्ड करते हैं और कॉन्केव फैलाते हैं अब यहाँ डाइग्राम देखिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस यहाँ पर दिखाए गए हैं और ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सेस है सी वन एफ वन एफ टू और सी टू को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सेस है इसी प्रकार कॉनकेव में भी ये प्रिंसिपल एक्सेस है अब वो प्रत्येक प्रकार के लेंस में आप देख रहे हो कि हमारे पास डबल डबल चीज़ें आ रही है सी वन सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ वन फोकस प्रिंसिपल फोकस एफ टू सेकंड फोकस है और सी टू सेकंड हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर एम कॉन्वेक्स में भी डबल है C1 F1 F2 C2 इसी प्रकार कॉन्केव में भी आपको देख सकते हो कि डबल हमारे पास में आ रहे हैं C1 F1 C2 F2 अब नाउ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वाई कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट रूल है इसका रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ लेंस वेरी सिंपल है डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कॉन्वेक्स लेंस है ये इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास एरो का निशान यहाँ दिख रहा है आपके सामने इन्फिनेट से आ रही है पेलर टू प्रिंसिपल एक्सेस है लेंस आपके सामने दिख रहा पिंक कलर का लेंस है अब अब आगे देखिए इसमें आप सी वन एफ वन एफ टू सी टू है सेकेंड फोकस एफ से ये अदर साइड में जाके निकलेगी अब सेकेंड लॉ देखिए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पेर टू प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन डायग्राम देखिए रे ऑफ लाइट जा रही है हमारे पास में एफ वन से होकर लेंस से स्ट्राइक कर रही है लेंस से स्ट्राइक करने के बाद अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी अदर साइड में ये अदर साइड से ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी हम रिफ्लेक्शन रिफ्लैक्शन रिफ्लैक्शन पड़ें इसलिए ये अदर साइड जाएगी लेंस के और ये अदर साइड ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली लाइन है अदर साइड में ये पैरेलल हो जाती है अब देखिए थर्ड रूल है इसका रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द तो ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन अब कोई भी लाइन रे ऑफ लाइट है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो बिना किसी डेविएशन के वो रिफ्रैक्ट हो जाती है देखिए अब ये ये एरो का निशान आ रहा है और ये बिना किसी डेविएशन के बिना कोई चेंज हो रहा है इसका कोई चेंज नहीं आ रहा आपके पास में कहीं इसका पाथ चेंज नहीं आ रहा है सेम पाथ में ये वन मीडियम टू सेकंड मीडियम में चली जाती है इस साइड से अदर साइड में ये जा रही है तीन नियम इसके होंगे अब देखिए इमेज फॉर्मड बाई कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनी जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनी पे रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होती है फोकस पे होती है नेचर इसका रियल इन्वर्टेड होता है साइज इसकी पॉइंट साइज होती है इसको आप रे डायग्राम में समझिए देखिए रे ऑफ इंसिडेंट आ रही है एक लाइन आ रही है अपने पास में इसको इंसिडेंट रे कहते हैं डेट इज़ पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सर से क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है लाइनें सारी लाइनें ये कहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है और लेंस से स्ट्राइक कर रही है कॉन्वेक्स लेंस से स्ट्राइक कर रही है और अदर साइड ये जो F2 फोकस है वहाँ पे ये मीट कर रही है F2 फोकस पे मीट कर रही है तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी F2 पे बनेगी नेचर रियल होगा इन्वर्टेड होगा और साइज होगी इसकी पॉइंट साइज इमेज यहाँ पे F2 पॉइंट पे मिलेगी देखिए आप इस रे डायग्राम को ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो एफ़ टू इसकी इमेज यहाँ पे बनती है सेकंड है वैन ऑब्जेक्ट वियोंड सी वन सी वन के बाद में इन्फिनिटी और वन के बीच में ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी ये हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज होती है बिटवीन एफ़ टू और सी टू अदर साइड में देखिए इंसिडेंट रे आ रही है इस ऑब्जेक्ट से और अदर साइड लेंस से स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टेड हो रही है और एफ टू से होके आगे जा रही है दूसरी रे जा रही है ऑब्जेक्ट से जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है और आगे इंटरसेक्ट कर रही है फ़र्स्ट रो को एट ए पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पे हमारे पास इमेज बनेगी इमेज कैसी बन रही है रियल है और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन रही है रियल वास्तविक और उल्टी इमेज यहाँ पे बन रही पर साइज होगी इसकी डिमिनिश साइज होगी छोटी होगी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज यहाँ पे बनेगी कहाँ बनेगी बिटवीन F2 और C2 के बीच में यहाँ पे बनेगी आप अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए आपको भी इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है अब नेक्स्ट अपने पास आ रहा है वैन ऑब्जेक्ट एट सी जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसकी जो इमेज और पोजिशन होती है वो भी अदर साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू पर बनती है अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है लेंस से स्ट्राइक करके अदर साइड में फोकस से होके आगे जा रही है और दूसरी रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से वो एट ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है और जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है वो पॉइंट है हमारे पास में सी टू की सीध में है तो देखिए सी टू से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहाँ तक एक इमेज बन रही है रियल और इन्वर्टेड नेचर की इमेज बन रही है और साइज इसका सेम साइज है सेम हाइट सेम साइज यहाँ पे हमारे पास में है और डिस्टेंस भी इसकी सेम है क्योंकि सी वन की डिस्टेंस लेंस ऑप्टिकल से, सेंटर से और सी टू की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेम है अब अगला इमेज देखिए आप वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ वन एंड सी वन एफ वन और सी वन के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज पोजिशन कहाँ होती है बियॉन्ड सी अब जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहे हैं तो इमेज जो है वो आगे बढ़ती जा रही है इमेज डिस्टेंस बढ़ेगी u कम होगा तो v का मान बढ़ेगा यही इसका बेसिक फिनोमिना है अब देखिए रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है लेंस स्ट्राइक होके एफ टू से होके आगे कर जा रही है दूसरी रे आ रही है ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर से होके और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो वो है बियॉन्ड सी टू है वो पॉइंट कहाँ है पोजिशन कहाँ उस पॉइंट की बियॉन्ड सी टू है आप रे डायग्राम में देख सकते हो और इमेज का जो नेचर है वो रियल इन्वर्टेड है और साइज अब इसकी बनेगी एन लार्ज इमेज बनेगी इमेज की साइज होगी बड़ी इमेज बड़ी इमेज यहाँ पे आपके सामने बनेगी अब फिफ्थ है हमारे पास में वैन ऑब्जेक्ट एट एफ वन अब ऑब्जेक्ट और नज़दीक आ गया है लेंस के एफ वन पे आ गया है तो पोजिशन ऑफ इमेज हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट जो तो हमारे पास था रे डायग्राम उसके जस्ट ऑपोजिट हो गया है उसमें इन्फिटी से रे रह आ रही थी और फोकस पे इमेज बन रही थी अब फोकस से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज हो जाएगी हमारे पास में पोजिशन ऑफ इमेज इन्फिनी फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस से स्ट्राइक हो रही है रे और अदर साइड में एफ टू से होके आगे जा रही है दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और वो फर्स्ट रे के पैरेलल हो रही है तो इसका मतलब ये दोनों रे कहीं पे मिलेगी नहीं इमेज नहीं बनेगी तो इमेज की जो पोजीशन होगी वो इमेज की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे एट है इन्फिनी इन्फिटी पे होगी और इमेज का जो नेचर होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा साइज होगी हाई एंड लार्ज बहुत बड़ी साइज की इमेज यहाँ पे बनेगी जैसा कि आप डायग्राम में पे देख सकते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में छठा हमारे पास आ रहा सिक्स आ रहा है वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ वन एंड ओ, ओ, ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर और एफ वन के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज की पोजिशन होती है सेम साइड होती है ऑफ द लेंस और नेचर इसका वर्चुअल हो है सेम साइड बनेगी तो वर्चुअल नेचर की बनेगी इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज लार्ज बड़ी आकार की बनेगी देखिए आप डायग्राम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिससे एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो लेंस से स्ट्राइक करके अदर साइड में एफ टू से होके आके जा रही है दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है वो भी जा रही है वो भी कहीं पे अदर साइड में नहीं मिली जहाँ एफ टू सी टू है वहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल है वो नहीं मिलेगी इसको आप फर्स्ट जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही थी उसी साइड में डोटे लाइन में इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए, एक एक पॉइंट पे भी ये आपस आप में इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आप देखिए यहाँ पे डोटे लाइन को आगे बढ़ाया यहाँ से भी बढ़ाया तो ये एक एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जहाँ पे इरेक्ट इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी और साइज इसकी इमेज की साइज जो कि कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ी होगी एन लार्ज इमेज होगी ये आप रे डायग्राम में देख सकते हो अब आगे देखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस बना हुआ है रे ऑफ लाइट पेलर टू प्रिंसिपल एक्सेस एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस कॉनकेव लेंस बना हुआ हमारे पास में वेरी uh, सिंपल है रे ऑफ लाइट पैलर टू प्रिंसिपल एक्सेस है अपीयर टू डाइवर्ज क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए यहाँ से डाइवर्ज होगी रे डाइवर्ज हो गई अदर साइड में एंड फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड और ऐसा यहाँ पे फील uh, होगा कि वो एफ वन पॉइंट से आती हुई प्रतीत होगी ये डाइवर्स जो हो रही है आगे की ओर आप में देख सकते हो इसको डोटेड लाइन में पीछे की ओर बढ़ाएंगे यहाँ पे तो F1 पे ये मीट करेगी तो F1 प्रिंसिपल फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है अगला देखिए रे ऑफ लाइट एपियर टू मीट द तो फोकस विल एमर्ज पैर टू प्रिंसिपल एक्सेस फर्स्ट का जस्ट ऑपोजिट है यदि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है तो लेंस से स्ट्राइक होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे रे ऑफ लाइट हमेशा सा लेफ्ट साइड से आती है ठीक है जैसा आप यहाँ देख रहे हो और ये हमारे पास में एफ टू पॉइंट से मिलती हुई प्रति दो थर्ड है हमारे पास में तीसरा पॉइंट जो है थर्ड है वो देखिए आप रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो बिना किसी परिवर्तन के सीधी जाती है मार्ग में बिना किसी डेविएट हुए डेविएट हुए मुड़ के मुड़ती नहीं है ना बैंड होती है स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है देखिए आप डायग्राम में रे ऑफ लाइट जा रही है वन साइड से अनदर साइड और कहीं पे भी इसका डेविएशन नहीं हो रहा है सी वन एफ वन और सी टू एफ टू अदर साइड में बने हुए कहीं कोई इसका डेविएशन आपके सामने नहीं हो रहा है अब देखिए रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन डायग्राम वो ओनली टू डायग्राम है फर्स्ट ए वेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन पोजिशन एट एफ वन पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी एफ वन में बनेगी देखिए रे डायग्राम आप टू रे यहाँ पे दिखाई गई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस और ये डाइवर्ज हो रही है आफ्टर द स्ट्राइकिंग द लेंस इस तरीके से हो रही है और अपीयर टू मीट एट एफ टू पॉइंट डोटेड लाइन को इसको आगे बढ़ा के एफ टू पॉइंट पर यह मीट करती हुई आपको प्रतीत होगी दिखाई देगी ऐसा लगेगा कि ये एफ सॉरी एफ टू नहीं एफ वन पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है तो देखिए आप यहां पे डायग्राम में पोजीशन एट इमेज और पोजीशन कहाँ है एफ वन है नेचर वर्चुअल इरेक्ट है साइज इसकी पॉइंट साइज है जैसा कि आप यहां पे डायग्राम में देख पा रहे हो डाइवर्जिंग रे ऐसा लगेगा कि एफ वन पॉइंट पे ये मीट कर रही है अब इसका सेकंड डायग्राम देखिए वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनी एंड ऑप्टिकल सेंटर जब ऑब्जेक्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिटी के बीच में होता है तो इसका रे डायग्राम देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट uh, से रे आ रही है लेंस से स्ट्राइक होकर डाइवर्ज हो रही है दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है अदर साइड में जा रही है हमारे पास तो पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ होगी पोजिशन ऑफ इमेज होगी एट एफ वन एफ वन देखिए कहाँ एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑप्टिकल सेंटर और एफ वन के बीच में इमेज बनेगी नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट और साइज होगी डिमिनिश बहुत ही डिमिनिश साइज होगी छोटी साइज इसकी बनेगी अब देखिए इसको आगे डोटेड लाइन में इसको बढ़ाते हैं आगे फर्स्ट रे को हम डोटेड लाइन में यहाँ पे आगे पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे हमारे सामने देखिए ये F1 से इधर से होके जा रही है और जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो इधर हो रहा है जहाँ एरो का निशान बना हुआ है क्योंकि इमेज इरेक्ट है और वर्चुअल है ऑब्जेक्ट से छोटी साइज इसकी इमेज की है जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके की इमेज हमारे सामने बन रही है तो केवल दो ही डाइग्राम है कौनकेव लेंस में बहुत ही सिंपल है आप देख सकते हो अब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपके सामने एक लेंस फॉर्मूला आ रहा है V v यहां पे इमेज डिस्टेंस है यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एफ यहाँ फोकल लेंथ है मिरर फॉर्मूला में प्लस आया था लेंस फॉर्मूला में यहां पे माइनस हमारे सामने आ रहा है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ आगे देखिए मैग्नीफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है वो मैग्नीफिकेशन कहलाता है और डिनोटेड बाई स्मॉल एम आप इसको फार्मूले में देख सकते हो स्लाइड में आपके सामने बना हुआ है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डेफिनेशन और लेंस फार्मूला इसको आपको रिमेंबर करना है अच्छे से याद करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके काम आएगा एम का एक और फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू होता है वी अपॉन यू इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो भी मैग्नीफिकेशन कहलाता है तो दोनों फॉर्मूलों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि एम बराबर है मैग्नीफिकेशन बराबर वी वटा यू इक्वल टू एच अपॉन एच इस डायग्राम इस स्लाइड में आप इन दोनों फॉर्मूलों को देख सकते हो कि हमने किस तरीके से इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइंड किया हुआ है और एक साथ लिखा हुआ है हाँ जब भी फॉर्मूला यूज़ करते न्यूमिकल क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन आपको इज हमेशा मस्ट करना है साइन कन्वेंशन को हमेशा अच्छे से अच्छे से याद करना है साइन कन्वेंशन के साथ ही आपको ये यू वी और एफ के मान या वैल्यू उनकी पुट करनी है फॉर्मूले में अब देखिए पावर ऑफ लेंस इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर पावर इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ अपॉन एफ एस आई यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर एस आई यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है diopter. आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज वन पॉइंट फोर इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम इज थ्री इंटू टेन की पावर एट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल मटेरियल में वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड करनी है सॉल्यूशन देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फोर वैलोसिटी थ्री इंटू टेन की पावर एट दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन पॉइंट फोर इक्वल टू थ्री इंटू टेन की पावर एट अपॉन मीडियम में नहीं दी हुई है उसको एक्स मान लेते हैं और एक्स को पक्षांतरण करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक्स इक्वल टू थ्री इंटू टेन की पावर एट अपॉन वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर से पॉइंट उड़ाया टेन आया हमारे पास में और इसको आगे हल किया हमने एक्स इक्वल टू हमारे पास आया तीन बटा चौदह थ्री अपॉन फोर्टीन इंटू टेन की पावर नाइन इसको आगे आप डिवाइड कर सकते हो इसका आंसर आप इजली निकाल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइट ऑफ वेवलेंथ फाइव फाइव जीरो जीरो मीटर पाँच सौ मीटर है इन एयर एंटर्स ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पॉइंट फाइव फाइंड स्पीड फ्रिक्वेंसी टेक द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो दे रखा है कि एयर में स्पीड की वेलोसिटी सी अपोन वी इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ एक पॉइंट पाँच और स्पीड ऑफ इन एयर दे रखा थ्री इंटू टेन की पावर एट अपॉन मीडियम में स्पीड को एक्स मान लिया और इसको यहाँ पे सॉल्व कर रखा है राइट साइड ऑफ द पेपर में आप देख सकते हो कि एक्स इक्वल टू हमारे पास है टू इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकंड स्पीड के मान तो हमारे पास टू इंटू टेन की पावर एट आया है अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ वेवलेंथ का मान भी दिया हुआ है स्पीड का मान टू इंटू टेन की पावर एट और वेवलेंथ का मान फाइव हंड्रेड दे रखा है मीटर में इसको वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा स्पीड ऑफ इस सॉरी फ्रीकवेंसी ऑफ लाइट हमारे पास आ जाएगी वन अपॉइंट टू फिफ्टी इंटू टेन की पावर एट यहाँ पे दे रखी है अगले ही स्लाइड में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ए कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस ए रियल और इन्वर्टर इमेज टू पॉइंट फाइव टाइम्स मैग्नीफाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस कैलकुलेट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस इसका सोल्यूशन भी आपके सामने यहाँ दिया गया है एम uh, की वैल्यू यहाँ दे रखी है टू पॉइंट फाइव इन्वर्टर इमेज माइनस टू पॉइंट फाइव यू इक्वल टू यू ऑलवेज माइनस में रहेगा टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दे दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दी है और और इसमें क्या क्या दिया हुआ जो आपने लिख दिया है अब इसमें हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला से हम सबसे पहले वी की वैल्यू निकालेंगे जो आप स्लाइड में देख सकते हो कि वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है हमने जो सॉल्यूशन किया है राइट टू लेफ़्ट साइड किया राइट साइड पहले लिखा हुआ एम वेल फर्स्ट निकाला एम इक्वल टू वी अपॉन यू से हमने वी की वैल्यू निकाली बासठ पॉइंट पाँच सेंटीमीटर आई है इस वैल्यू को लेंस के जो फॉर्मूला है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू में पुट कर दिया है विद द साइन कन्वेंशन और फोकल लेंथ हमारे पास आ गई कैलकुलेट हो गई है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखी फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइंड पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं हमारे पास में गिवन दिया हुआ यू एफ़ और वी फाइंड करना है यू माइनस टेन फोकल लेंथ कॉन्वेक्स इसलिए प्लस पॉजिटिव लिए फिफ्टीन सेंटीमीटर यू कैन सी और वी यहाँ पे फाइंड करना है फॉर्मूला हमारे पास लेंस फार्मूला पता है और मैग्नीफिकेशन फार्मूला भी पता है आई एम इक्वल टू वी अपॉन यू वैल्यू पुट करके दोनों चीज़ें निकालेंगे पोजिशन नेचर ऑफ इमेज पोजिशन आ रही है माइनस थर्टी सेंटीमीटर और नेचर ऑफ़ इमेज हमारे सामने नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले से देख सकते हो कि थ्री हमारे पास आया इसका मतलब है कि आ, इमेज हमारे पास किस तरीके से थर्टी सेंटीमीटर बन रही है टू आवर्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहीं बनेगी वो इमेज हमारे पास में लार्ज बनेगी ठीक है क्योंकि थ्री गुना हमारे पास में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर फाइंड पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड पाँच सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है और ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दी हुई है माइनस ली जाएगी इमेज की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है पोजिशन और साइज साइज फाइंड करनी है मैग्नीफिकेशन फाइंड करना और नेचर कैसा बनेगा इसका वो यहाँ पर फाइंड करना है इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हो इसको ईजिली आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी है थैंक यू बच्चों और व्यूअर्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को Thank you all of you.